श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे कुछ टोटके दिखाएंगे, ऐसे छोटे छोटे उपाय दिखाएंगे जिससे आपके बिजनेस के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर या आपके व्यापार में और जॉब में आपको सफलता प्राप्त हो। वास्तु के अंदर बहुत ही कड़क नियम होते हैं कि वास्तु के हिसाब से इस तरह से आपके घर की रचना होनी चाहिए, पर कोई कारणवश अगर आपके घर की वास्तु के हिसाब से रचना गलत है और आप वहाँ पे कोई उपाय नहीं कर सकते तो शास्त्रोक्त उपाय यानी ये सब छोटे छोटे उपाय करेंगे तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि ये उपाय करने से हमारे ग्रह नक्षत्र में जो ग्रह है उसकी भी पॉजिटिविटी हमें प्राप्त होती है, उसके सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। अगर कोई ग्रह हमसे रूठा हुआ है यानी हमको शुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उपाय करने से उसके शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह ही हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सफलता निष्फलता के कारक होते हैं। जैसे वास्तु के अंदर अगर कोई कोने के अंदर वास्तु दोष है तो उससे हमारे जीवन की कोई भी प्रकार की एक कहते हैं ना कि उसमें कुछ शुभ फल मिलने वाला है या अशुभ फल मिलने वाला है वो वास्तु की दिशाएं से पता चलता है। इस तरह से ज्योतिष गणना के अंदर हमारे ग्रह की कैलकुलेशन यानी उनकी गणना से पता चलता है कि इन ग्रहों का क्या प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा, हमारी शारीरिक तकलीफ आएगी, सामाजिक तकलीफ आएगी, व्यवहारिक तकलीफ आएगी, आर्थिक तकलीफ आएगी। तो ये जो तकलीफ है उसको किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से वास्तु दोष को भी दूर किया जाए, कौन से ऐसे द्रव्य है, कौन सी ऐसी पूजा है, कौन से ऐसे रत्न माणिक रुद्राक्ष है जो हम धारण करेंगे तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आज ये पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त होगी। आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आपके पास अगर कोई बजट नहीं है तो इसमें छोटे छोटे उपाय भी हम बताएंगे जिस उपाय का प्रयोग करके आप आपके घर की सुरक्षा कर सकते हैं, समृद्धि कर सकते हैं और घर में तन मन धन की वृद्धि कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की समस्या हो इस उपाय से हम उससे बचा जाता है और हर तरह की समृद्धि प्राप्त की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह के उपाय आपको करने हैं। अगर आपको व्यापार में उन्नति करने के लिए क्या उपाय करना है, अगर आपका बिजनेस है, आपका कारखाना है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, वो नहीं चल रही, नहीं वहाँ पर मुनाफा हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ खर्चे आ रहे हैं, तो उससे कैसे उन्नति की जाए, कैसे उसका प्रभाव किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो व्यापार बढ़ाने के लिए उपाय हेतु किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, हमें गेहूं लेना है, उसका थोड़ा आटा बनाना है, मीन्स आटा पीसना है, और वो आटा आपके घर के दुकान की दोनों तरफ यानी जो मेन द्वार है उसके लेफ्ट एंड राइट कहीं पे भी आप उसको रखना है। किस तरह से रखना है, क्या क्या का ख्याल रखना है, पूरा यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दे। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। कुछ देर बाद इस आटे को काले कुत्ते को खिला दे। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी, साथ ही साथ व्यापार में जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ राहु का जो है एक उपाय बताया गया है, राहु की शांति के लिए का उपाय है। आपको आपके घर के द्वार मीन्स आपकी फैक्ट्री के बाहर या आपके दरवाजे के बाहर दोनों तरफ थोड़ा पिसा हुआ गेहूं का आटा, बुना हुआ आटा होगा तो भी चलेगा, उसमें आप थोड़ी शक्कर डाल सकते हो और फिर उसको वहाँ पे रख दीजिए। ये रखते हो आपको कोई देखे ना, इसकी खास विशेष ध्यान रखना है। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद वो आटे को आपको काले कुत्ते को खिलाना है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति होगी और धीरे धीरे आपके हर कष्ट दूर होंगे और सफलता प्राप्त होगी। ये उपाय अगर आप कर सकते तो बेहतरीन रिजल्ट देगा, अगर नहीं कर सकते तो भी कोई ऐसा नहीं, उसके बहुत सारे ऐसे उपाय मिले जुले उपाय हम आपको इस वीडियो में कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष होगी सभी स्वास्थ्य समस्या दूर, यानी एक मुखी रुद्राक्ष होगी सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर। यानी ये कहा जाता है कि जो काजू दाना एक मुखी रुद्राक्ष है वो आपकी हेल्थ संबंधित कोई भी समस्या होगी उससे आपको छुटकारा दिला सकता है। ये तब जप किया और रुद्राक्ष होना चाहिए, इसमें मंत्र जाप हुए होने चाहिए और ये ओरिजिनल होना हो चाहिए तो ही आपको ये रिजल्ट देगा। यह भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक है, जीवन चक्र को स्वतंत्रता देता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस रुद्राक्ष को धारण करता है या फिर उसकी पूजा करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहने का भावार्थ है, अगर यह रुद्राक्ष आप गले में धारण कर सकते हो या आपके घर के मंदिर में रख सकते हो,
रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल है तो इसका प्रभाव आपको प्राप्त होगा। इसके नित्य दर्शन करने से, इसकी पूजन करने से या इसको शरीर में धारण करने से आपके हर तरह के कष्ट दूर होंगे, आपकी बीमारी संबंधित समस्या दूर होगी, आर्थिक समस्या दूर होगी, आपको नए जीवन के अंदर नया संचार होगा, आपकी पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, वास्तु संबंधित कोई भी दोष होंगे वो दूर होंगे, पितृ संबंधित कोई भी दोष होंगे वो दूर होंगे, घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष, ग्रह दोष, भूमि दोष हो या किसी का किया कराया नजर दोष हो, बंधन दोष हो, फैक्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, एकमात्र एक छोटा सा उपाय है, एक मुखी रुद्राक्ष कांजू दाना आप कहीं से भी प्राप्त कीजिए, कोई भी पूजा भंडार की दुकान के लेके आइए, उसको सिद्ध कीजिए, ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए, इसके ऊपर आप खुद जाप करके इसको सिद्ध कर सकते हो। और इसको क्या करना है जो यहाँ हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार रुद्राक्ष को धारण करना है या उसकी पूजा करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे सभी संस्कारिक इच्छाएं प्राप्त हो जाती है, मानसिक शांति देता है और एकाग्रता का विकास करता है। इसको धारण करने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ठीक करता है और आध्यात्मिक विकास भी करता है, यानी सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित करेगा, आपके जीवन की कोई भी कष्ट होगा वो भी दूर होगी, आपका भौतिक आर्थिक शारीरिक मानसिक सुख में वृद्धि करेगा, आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या होगी मात्र एक मुखी रुद्राक्ष को मंदिर में रखने से या धारण करने से या उनके नित्य दर्शन जाप करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी आपको बहुत ही बड़ी यहाँ पे कहते हैं सिद्धि प्राप्त होगी। आपका जो कॉस्मिक ऊर्जा का पावर है, सकारात्मक ऊर्जा है आपकी, आपकी जो ओरा है उसका आभा मंडल बढ़ेगा, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हर तरह का वास्तु का दोष का शमन होगा। तो फ्रेंड्स, एक मुखी रुद्राक्ष काजू दाना आप कहीं से भी प्राप्त कीजिए, सिद्ध कीजिए और उसको मंदिर में रख दीजिए। नींबू का यह उपाय अपनाइए। अगर आपको व्यापार में नुकसान हो रहा है तो मंगलवार या शनिवार के दिन नींबू का यह उपाय जरूर अपनाइए। इसके लिए एक नींबू ले और उसे अपने व्यापार या दुकान की चारों दीवारों में स्पर्श करें, फिर उसके चार टुकड़े कर दे और चारों टुकड़े को चार अलग अलग दिशाओं में फेंक दे। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होगी और आपके व्यापार में धन लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी दुकान होती है, फैक्ट्री होती है या छोटी बड़ी कोई भी ऐसा स्थल है जहाँ हम धन कमाते हैं, वहाँ पे हम धन अर्जित करते हैं, तो वहाँ पे किसी का बंधन दोष, ग्रह दोष, भूमि दोष या किसी का किया कराया, किसी की नज़र हो तो कैसे उससे बचा जाए, कैसे हमारे धंधे को किसी ने बांध दिया हो, कैसे उसको खोला जाए। कई समय से हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, बिजनेस नहीं हो रहा, बिक्री नहीं हो रही, कुछ कस्टमर नहीं आ रहे, पहले तो लगातार कस्टमर आ रहे थे, अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहे। क्या किसी ऐसे कस्टमर के हमारे वहाँ पे आगमन हो गया जिसने नज़र लगा के चला गया, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा कहते ना नज़र लगा दिए, तो ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता है कि आपके साथ जब ये होता है तब आपके इसके बारे में पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, विश्वास रखना है, एक छोटा सा नींबू का उपाय करना है। नींबू का उपाय बहुत ही सिद्ध होता है, बहुत ही असरकारक होता है और उससे हर तरह के वास्तु दोष का निवारण भी होता है। किसी की भी नज़र लगती है तो नींबू से वो नज़र उतारी जाती है, इसलिए दरवाजे के बाहर हम नींबू मिर्च का प्रयोग करते हैं। हनुमान दादा के आशीर्वाद, हनुमान जी का जो आशीर्वाद है वो नींबू मिर्च ला के हम वहाँ पे लटकाते हैं, जिससे उनके आशीर्वाद से हमारे घर की रक्षा होती है, हमारे धन की रक्षा होती है, हमारे व्यवसाय की रक्षा होती है। तो आपको एक नींबू ले लाएं, उस नींबू को आपकी फैक्ट्री के चारों दीवार पर टच करना है, यानी स्पर्श करना है। आप क्लॉकवाइज भी चारों तरफ उसको ऐसे घिस के यूं मींस स्पर्श करवा सकते हैं, फिर उसके चार टुकड़े करने हैं, चारे टुकड़े को अलग अलग दिशा में फेंक दीजिए, कोई भी दिशा से शुरुआत कीजिए पर ये उपाय कीजिए। इससे क्या होगा तो नींबू से आपके फैक्ट्री या ऑफिस की या आपके दुकान की जो भी की नकारात्मक ऊर्जा है वो नींबू के अंदर समा जाएगी और चारों दिशा में चली जाएगी, मीन्स बाहर फेंक देंगे आप, तो जिससे क्या है नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, जो पहले की तरह चल रहा था वैसा चलेगा और व्यवसाय में वृद्धि होगी। बहुत ही बड़ा उपाय है, बहुत ही फर्स्ट क्लास, एकदम प्योर सिंपली उपाय है, अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो इसका रिजल्ट अवश्य प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको आगे बताते हैं कि ये उपाय दिन भर करने से आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि आपके बिजनेस के अंदर कोई भी प्रकार का ऐसा नेगेटिविटी नहीं आएगी। अब है राम रक्षा स्रोत करे पाठ। तो ये जो उपाय है, ये राम रक्षा स्रोत जो हमारे
पुराणों में है, एक स्रोत है, उस पे ये डिपेंड है ये उपाय। ओके, मंगलवार के दिन मंदिर जाकर भगवान राम और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाइए। इसके बाद भगवान राम के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का और हनुमान जी के सामने राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। इस उपाय से श्री राम और हनुमान जी दोनों ही की कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आपको भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करनी हो, हनुमान जी की प्राप्त कृपा प्राप्त करनी हो, नित्यम दर्शन तो करते हैं हम वहाँ पे पूजा मंदिर में जाके पूजन अर्चन करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। अब आपको इस उपाय के अंदर खास बता गया है मंगलवार को ये उपाय करना है, और आपको भगवान हनुमान चालीसा का और हनुमान जी के सामने राम रक्षा स्रोत का, यानी आपको राम भगवान के सामने बैठना है, एक दीपक जलाना है, और राम के सामने बैठ के, राम की प्रतिमा के सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के सामने राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। इस उपाय से आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आप तेल का भी दीपक ले सकते हो और घी का भी दीपक ले सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पे है। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप आपके ज़िंदगी में करेंगे तो 100% जीवन की कोई भी समस्या आपको सताएगी नहीं। कुछ दिन लगेंगे, कुछ समय जाएगा, पर आपको आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उपाय का चमत्कार दिखेगा, कोई ना कोई फायदा होगा, कोई ना कोई वास्तु दोष दूर होगा और आपकी ज़िंदगी पहले से सरल हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।